जब तक आप लोग बताएं कि सबको क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट, फंक्शन की डेफिनेशन एक बार रिपीट करते हैं। हाँ, मैं लिख कर दे रहा हूँ, पैरामीटर का भी बता रहा हूँ, सब चीज़ें इसी में पता चलेंगी आप लोगों को। पैरामीटर इसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बस फिर क्लियर है मॉड्यूल, बस फिर ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हम लोगों ने देखनी है कि मॉड्यूल्स आपके होते क्या हैं। ईच सब टास्क कंसिडर्ड एज मॉड्यूल्स। अच्छा, हम लोगों ने ये सीखा था कि एक मॉड्यूल जो है वो आपका एक फंक्शन भी हो सकता है, और एक यहाँ पे लिख लेते हैं, कैन बी ईदर फंक्शन और प्रोसीजर। यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर मैं 1 मिनट बस मैं इसका वो कर लूँ, पीडीएफ बना लूँ। चलो जी स्टार्ट करें। अच्छा, कल हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट स्किप किया था, वो कौन सा कॉन्सेप्ट था? बाय रेफरेंस और बाय वैल्यू वाला। लेकिन उससे पहले मुझे पैरामीटर समझाने हैं। सही। अच्छा, पहले मैं ऐसे ही रफली समझा देता हूँ पैरामीटर्स बेसिकली होते क्या हैं। मैं इसको इरेज कर दूंगा, बस अभी सिर्फ रफली समझो, आगे फिर मैं और डिटेल में समझाऊंगा। देखो, पैरामीटर्स बेसिकली क्या हैं? एनी वैल्यू दैट इज पास बिटवीन मॉड्यूल्स, दैट इज पास्ट बिटवीन मॉड्यूल्स। क्या मतलब हुआ उसको? भाई हम मैथ से समझते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये बेसिकली मेरा एक फंक्शन है। अब जब मैं बात करूं एक्स की, एक्स इज बेसिकली कंसिडर्ड एज पैरामीटर। एज अ पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है? एनी वैल्यू दैट इज पास बिटवीन मॉड्यूल्स। अब देखो, अब अगर मैं कहता हूँ एफ ऑफ वन, तो बेसिकली क्या हो रहा है, मैं वैल्यू वन को पास कर रहा हूँ अपने फंक्शन के अंदर, जिसकी वजह से सारी चीजें होंगी, वन रिप्लेस होगा एक्स से और आंसर आएगा। समझ आई? बेसिकली कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि मैं फंक्शन के अंदर पास करता हूँ वो पैरामीटर कहलाती है। यहां तक किसी को कोई मसला? आप लोगों को बताना पड़ता है कि एक फंक्शन के क्या क्या पैरामीटर्स हैं। जैसे इसमें मुझे बताया मैंने आपको कि एफ ऑफ एक्स का जो फंक्शन है उसके अंदर एक्स जो वो मेरा पैरामीटर है, उसकी वैल्यूज चेंज होंगी बार बार, बेसिकली एज अ इनपुट काम कर रहा होता है। ये पैरामीटर्स जो होते हैं वो बेसिकली फंक्शंस के इनपुट होते हैं। इमाद अली वाजिद, कह सकते हो, चलो हाँ हाशिम कह सकते हो कि ये एज अ इनपुट इस्तेमाल हो रहे होते हैं फंकशन के अंदर, इनपुट वेरिएबल्स कह लो। सही है सर, अगर डोमेन या रेंज हो वो पैरामीटर नहीं होते। ये ले भाई,
डोमेन और रेंज कहाँ से ला रहा है भाई? नहीं भाई वो सब चीज़ें नहीं है, कंप्यूटर्स पढ़ रहे हो अभी फिलहाल, इसे समझने के लिए था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पैरामीटर्स, नहीं, कोई लिमिट्स नहीं होती इसके अंदर, कोई लिमिट्स नहीं होती कंप्यूटर्स के अंदर, कोई लिमिट्स नहीं पैरामीटर्स की। हाँ बस ये लिमिट ज़रूर है कि अगर आपका पैरामीटर जो है स्ट्रिंग है तो आप लोग उसके अंदर एज अ स्ट्रिंग ही पास कर सकते हैं। अगर आपने इंटीजर पास कर दिया फिर वो आप लोगों का आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। चलो ठीक है। चलो अब दो चीजें समझनी है। अरे गलत टाइप हो गया भाई, टेंशन मत लो। अच्छा हुआ था मुझे भी कि क्या हो गया इसको एकदम से, लेकिन मसला नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने दो चीजें स्किप की थी, एक थी बाय वैल्यू। पैरामीटर्स को पास करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है बाय वैल्यू और एक होता है बाय रेफरेंस। इन दोनों में क्या फर्क है? देखो बाय वैल्यू जो होती है बेसिकली एक जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल का तो सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है, टेम्पररी मेमोरी, उसकी बेसिकली कॉपी आपके पास एज अ पैरामीटर पास कर दी जाती है। लिख लो उसको यहाँ पे फिर मैं समझा भी देता हूँ। कॉपी ऑफ वेरिएबल इज पास्ड, इज पास्ड और बाय रेफरेंस के अंदर क्या होता है, वेरिएबल इटसेल्फ इज पास्ड। इन दोनों में क्या फर्क है मैं समझा रहा हूँ। वेरिएबल इट, अच्छा जो थ्योरी की जो वर्डिंग है इसलिए आपसे सवाल करता है बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस क्या होता है। जो आपने लिखना है वो मैंने जो थ्योरी वाला पीडीएफ आप लोगों को सेंड किया हुआ है उसके अंदर लिखा हुआ है और वो एग्जैक्ट याद करना होगा। अभी सिर्फ मैं समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ। अच्छा अब समझो इसको, अगर मैं कहता हूँ एक्स इज इक्वल टू फाइव, तो अब बाय वैल्यू में क्या होगा, एक्स इक्वल टू फाइव एक इसकी कॉपी बनेगी और वैल्यू पास कर दी जाएगी जो कि फाइव है, लेकिन बाय और इसके जो आंसर स्टोर होगा ना वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे होगा, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। मतलब एक्स की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई बाय वैल्यू करने से, लेकिन अगर मैं बात करूं बाय रेफरेंस एक्स इक्वल्स टू फाइव तो इसमें क्या पास होगा, एक्स पास होगा, बस वो वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू चेंज कर देगा सेम मेमोरी लोकेशन पे। हाँ इसमें बाय रेफरेंस के अंदर ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसका लोकेशन ऑफ एड्रेस जहां पे भी वो वेरिएबल होता है ना वो पूरी लोकेशन उसके पास चली जाती है, बस वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है वैल्यूज को। कुछ समझ आया या और इन डेप्थ पढ़ाओ इसको? अली वाजिद हाशिम सही है, अंसारी साहब, अली वाजिद, सवाल आने वाला है। सही है अली वाजिद, सही है, ठीक है। और देखो मेमोरी लोकेशंस पढ़ी थी ना हम लोगों ने, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस चला जाता है कि भाई ये वाला जो वेरिएबल है। बेहतरीन अली वाजिद, बेहतरीन, सही समझे, सही है। अब आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कौन सा आप बाय वैल्यू भेज रहे हैं कि कौन सा आप बाय रेफरेंस भेज रहे हैं, और वो कैसे करते हैं वो हम सीख लेंगे, कोई ऐसे नहीं। बाय वैल्यू को आप लोगों को करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन बाय रेफरेंस को करना पड़ता है क्योंकि आप लोगों को कंप्यूटर को बताना है कि ये बाय रेफरेंस कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब बात करते हैं हम लोग जो आप लोग कह रहे थे कि फंक्शन और प्रोसीजर की डेफिनेशन के बारे में। अभी फिलहाल के लिए, अभी सिर्फ फिलहाल आप लोग एक कॉन्सेप्ट समझ लो और इसको याद कर लो कि
वो क्या है कि आपका जो भी फंक्शन होता है वो वैल्यू को रिटर्न करता है। फंक्शन, इतनी सी चीज़ें भी समझने के लिए, फंक्शंस रिटर्न्स अ वैल्यू। वेयर एज प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। बहुत जरूरी चीजें इन दोनों चीजों का समझना, समझना नहीं है बस इतना सा याद कर लो इसको अभी फिलहाल। समझने का कुछ इसमें है भी नहीं वैसे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना याद कर लो कि फंक्शन जो होता है वैल्यू रिटर्न नहीं करता और प्रोसीजर जो होता है वैल्यू रिटर्न करता है। इतना सा कॉन्सेप्ट अभी दिमाग में रखो और अभी हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल आप लोगों के पास ये होगा कि बेसिकली स्ट्रक्चर चार्ट होता क्या है। अच्छा, हम लोगों ने क्या सीखा था, मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट सीखा था। अब सपोज करो कि हम लोग कोई एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो अब उसके लिए आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स जो हैं इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मतलब एक टीम को आपने तकरीबन समझ लो 5 से 10 टीमें, 10 टीमें जो कि अलग अलग फंक्शंस पे, अलग अलग प्रोसीजर्स, फंक्शंस और प्रोसीजर्स क्या होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, अलग अलग फंक्शंस पे काम कर रहे हैं। जैसे सपोज करो टीम वन है वो आपका बुकिंग सिस्टम पे काम कर रही है, फिर टीम टू जो है उसका पूरा उसने फंक्शन तैयार करके रखा हुआ है, और जो भी उसके टिकिंग बुकिंग सिस्टम से जो भी वैल्यू आएगी, मतलब जितनी भी टिकट्स आएंगी उसको वो मल्टीप्लाई करके भेज देगा कहाँ पे, प्राइसिंग के, उसके प्राइसिंग के जो फंक्शन बना रहा था दूसरी टीम, प्राइसिंग के फंक्शन के पास जाएगी। बेसिकली क्या हो रहा है, एक फंक्शन से वैल्यू दूसरे फंक्शन के अंदर पास हो रही है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, सीटिंग हो गई। सीटिंग के बाद उसने क्या किया, पेमेंट गेटवे का, पेमेंट गेटवे क्या होता है, जहाँ पे सारे कार्ड वार्ड्स डलते हैं, कार्ड के नंबर डलते हैं, वो सब चीज़ें पेमेंट गेटवेज कहलाती हैं। अब बेसिकली क्या हुआ, तीसरा मॉड्यूल जो था उसमें जो कि दूसरे मॉड्यूल से मेरा आंसर आ रहा था मल्टीप्लाई करने के बाद प्राइसिंग को, वो तीसरे मॉड्यूल के अंदर पास हो जाएगा डाटा, और फिर जो भी वर्किंग वो करेगा वो डिटेक्शन, बैंक्स और डिटेक्शन, वो सब चीज़ें तीसरा मॉड्यूल कर रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे मामला हो रहा है घचपेच। क्या मतलब, बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हैं, अब सिर्फ तीन फंक्शंस नहीं होते, बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब उनके दरमियान कैसे वैल्यूज पास हो रही हैं और कहाँ से कौन सी वैल्यू कहाँ जाएगी, उन सबको डिटेल में एक स्ट्रक्चर तरीके से, मतलब डायग्राम्स के थ्रू, ताकि वो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम जितने भी है ना, बेसिकली रिलेशन समझ आ सके हमें एक मॉड्यूल का दूसरे से क्या ताल्लुक है। बस इतनी सी चीज समझाने के लिए कि एक फंक्शन का दूसरे मॉड्यूल से क्या रिलेशन है, हम लोग स्ट्रक्चर चार्ट बनाते हैं। कोई मसला स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर कि इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग, कोई भी मॉड्यूल है उसके अंदर क्या रिलेशन बनता है उन 4 5 मॉड्यूल्स का, वो बताने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर चार्ट बनाते हैं। कॉन्सेप्ट में कोई मसला, लिख कर दे दूं, लिख लो उसको। स्ट्रक्चर चार्ट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स ओवरऑल करता है, सिर्फ रिलेशनशिप डिस्प्ले करता है, ताकि हम लोग वैल्यूज के जो रिलेशनशिप है उसको समझ सकें कि वैल्यूज कहाँ जा रही हैं, कौन सी वैल्यू कहाँ जाएगी। बेसिकली ये इनिशियल डिजाइनिंग के अंदर आता है, आपका प्रोग्रामिंग से पहले का काम है ये। प्रोग्राम डिजाइन का बेसिकली चैप्टर है। कोई भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं, आपने कहा कि भाई टीम वन आप मुझे ये डेटा दोगे ताकि मैं ये इसको पास कर सकूं अपने मॉड्यूल के अंदर, तो वो सब चीज़ें आपका डिजाइनिंग के अंदर आती हैं, ये कोडिंग का पार्ट नहीं है ये। अभी तक हम लोग जितना भी कर रहे हैं ना, ये सब प्रोग्राम डिजाइन था, प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल, ये सब चीजें प्रोग्राम डिजाइन के अंदर आती हैं। एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन मॉड्यूल्स। इसके बाद एक और चीज समझनी है हमने, फिर बाकी सारा आसान काम है। एक फंक्शन का हेडर क्या होता है, हेडर ऑफ अ फंक्शन, सिंटेक्स सिखा रहा हूं मैं, सूडो कोड का सिंटेक्स है।
हेडर ऑफ अ फंक्शन। तो इसको सीख लो क्योंकि इसके तुम लोगों को स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर बहुत सारे सवाल मिलेंगे जब भी मैं भेजूंगा टॉपिक। कोई भी मॉड्यूल का बोलता है कि भाई इसका हेडर लिख दो, इसका वो आपका इसका हेडर लिखो, इसका सब मॉड्यूल सब ए का हेडर लिखो, मॉड्यूल सब बी का हेडर लिखो, ये सब चीज़ें सवाल करता है आपसे, आपके लिए लिखने आने चाहिए। अच्छा, किसी भी फंक्शन का हेडर क्या होता है? किसी भी फंक्शन अगर आप बनाते हैं तो सबसे पहले उसको बताना होता है कि भाई ये फंक्शन है, सबसे पहला काम आप ये बताते हैं। अगर प्रोसीजर होगा तो क्या लिखोगे? प्रोसीजर लिखोगे यहाँ पे फंक्शन। फिर उसके बाद आता है उसका नेम, जो भी फंक्शन का तुम लोग नाम रख रहे हो, बेसिकली स्टेप्स को स्टेप्स जितने भी होते हैं उनको एक नाम दे देना, बेसिकली उसको हम फंक्शन कहते हैं। स्टेप्स को नाम देना, आइडेंटिफायर देना, उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि फंक्शन नेम, उसके बाद आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हो तुम? कोई भी वेरिएबल का नाम, बेसिकली पैरामीटर की बात हो रही है। नेम ऑफ वेरिएबल जो कि एज अ पैरामीटर एक्ट कर रहा होगा, नेम ऑफ वेरिएबल। फिर लगाओगे कॉलन और उसकी डेटा टाइप, जो भी पैरामीटर है उसकी डेटा टाइप। फिर कॉमा, और अगर एक और एक से ज्यादा पैरामीटर, अब इसको गौर से सुनो, एक से ज्यादा पैरामीटर है तो कॉमा लगाओगे और उसके बाद एक और दफा बिल्कुल सेम प्रोसेस। ये हो गया आपका दो पैरामीटर्स हो गए जो कि पास हो रहे हैं। आपने बंद किया अपना, अगर तीन है तो उसके बाद और कंटिन्यू करते रहो। बंद करने के बाद आप इसी के आगे लिखते हो, ब्रैकेट्स के बाद लिखते हो, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिटर्न डेटा टाइप। अच्छा, ब्रैकेट के बाद वो चीज नहीं आती, वेरिएबल का नाम नहीं आता, कोई नाम वाम नहीं है, बट जो भी वेरिएबल है जो कि रिटर्न होगा उसकी डेटा टाइप आती है। सपोज करो कि ये फंक्शन जो है आपको रिटर्न कर रहा है 15, एक नंबर है, इंटीजर नंबर है, और वो रिटर्न कर रहा है 15 सारी कैलकुलेशन करने के बाद, स्टेप्स करने के बाद। तो बेसिकली रिटर्न डेटा टाइप के अंदर क्या आएगा? रिटर्न इंटीजर, सही है। अब अगर मैं कहूँ कि ये जो चीज़ें हैं इसको लिख लो यहाँ पे कि ये सब पैरामीटर्स होती हैं, दे आर बेसिकली पैरामीटर्स, और जो भी वैल्यू रिटर्न होगी उसकी डेटा टाइप आप लोग लिख देंगे। फिर से सुन लो इसको, सब चीज़ें शुरू से बता रहा हूँ। हेडर ऑफ फंक्शन या प्रोसीजर, अच्छा अगर प्रोसीजर होता तो आप लोग क्या लिखते? रिटर्न डेटा टाइप हटा देते, बस सिर्फ ब्रैकेट तक लिखते प्रोसीजर, फिर उसका नाम, फिर ब्रैकेट, फिर उसका एक पैरामीटर का नाम, कोई भी नेम ऑफ वेरिएबल, कॉलन उसकी डेटा टाइप, कॉमा नेम ऑफ वेरिएबल, कॉलन डेटा टाइप, ब्रैकेट क्लोज, खत्म। कोई रिटर्न नहीं आएगा प्रोसीजर के अंदर, सिर्फ फंक्शन के अंदर रिटर्न आता है, प्रोसीजर के अंदर नहीं आता। किसी को इसमें मसला है तो मुझे अभी बोल दे। हेडर ऑफ फंक्शन में किसी को मसला? अली वाजिद, अब्दुल्ला खान, सही है। हाँ बस इसका पैटर्न याद कर लो, चलो सही है। लाइन पे पूरा ना आए हेडर, फिर हाँ कोई मसला नहीं, यहाँ पे नीचे लिख लो, कोई ऐसा इशू नहीं है। मार्क्सिंग देखोगे ना यहाँ पे भी लिखा हुआ होता है। बेसिकली क्या होता है, अगर जैसे ज्यादा पैरामीटर्स होते हैं ना तो वो ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगाता, वो यहाँ पे और कंटिन्यू करता रहता है, नेम ऑफ वेरिएबल, फिर उसकी डेटा टाइप, फिर कंटिन्यू करके फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाएगा और रिटर्न डेटा टाइप। कोई ऐसा मसला नहीं, नहीं करेगा भाई, फील क्यों करेगा, काम आना चाहिए। सही है, क्लियर है अली वाजिद, बस इसका पैटर्न याद रख लो, काफी है तुम्हारे लिए अभी फिलहाल। डिटेल में करना है इसको आगे हम लोगों ने, फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स में। अभी फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर चार्ट के लिए जरूरी है कि इसको याद करना, फंक्शन फिर उसका नाम, फिर उसके बाद नेम ऑफ वेरिएबल, कॉलन डेटा टाइप, कॉमा नेम ऑफ वेरिएबल, कॉलन डेटा टाइप, ब्रैकेट क्लोज, रिटर्न डेटा टाइप, कुछ भी नहीं है। हो गया याद? बोलो अब्दुल्ला, बोलो। नहीं नहीं हेडर की बात हो रही है, ये पढ़ो, अभी सिर्फ हेडर की बात हो रही है। इसके अंदर जो सवाल आता है ना स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर,
वो फुटर की बात नहीं करता, वो सिर्फ हेडर की बात करता है। वो हम सीख लेंगे जो उसका फुटर है फंक्शंस का, वो हम उसमें सीखेंगे फंक्शंस उसकी क्लास में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सिंबल्स हैं जो आपको याद करने हैं, मैं दिखा देता हूँ जल्दी से। एक मिनट देगा, बस ये रहे। जी इन सिंबल्स को सीखते हैं जल्दी से, कुछ भी नहीं है, आसान चीज है। ये सिंबल्स आप लोगों को पता होनी चाहिए हर हाल में। सबसे पहला सिंबल है एक सर्कल, खाली सर्कल, एम्प्टी सर्कल है, याद रखना। और उसके बाद क्या है, एरो। ये बेसिकली क्या शो कर रहा होता है, वैल्यू पास बिटवीन मॉड्यूल्स। सीख लेंगे कोई ऐसे इशू अगर है, अभी बस इतना याद कर लो, वैल्यू पास बिटवीन मॉड्यूल्स, इन ये जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है इतना याद कर लो। फिर बात करते हैं इसकी, अगर कोई बूलियन वैल्यू पास हो रही है तो आप उसको कैसे इंडिकेट करोगे, एक सर्कल और वो फिल करके, बूलियन वैल्यू पास बिटवीन मॉड्यूल। अच्छा स्ट्रिंग है, इंटीजर है, रियल है, तो क्या करना होगा, ऊपर वाला जो एरो था इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई सिलेक्शन हो रही है किसी भी मॉड्यूल के अंदर, कोई सिलेक्शन आ रही है, तो आप इस्तेमाल करोगे डायमंड शेप, जो भी कहते हैं इसको, काइट कह लो, जो कहने कह लो। और अगर कोई चीज़ आपने बार बार करनी है, जो कहते हैं लूप करना, या एक ही चीज़ को बार 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 वैल्यूज को पास करते रहना, तो वो रेपिटेशन से शो करोगे। रेपिटेशन सिर्फ एक एरो बनाना काफी होता है, मैंने बताया कि भाई इसमें दोनों डायरेक्शन में बन सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। अच्छा अब अगर बाय रेफरेंस वैल्यू पास हो रही है ना, बाय रेफरेंस पास हो रही है, तो ये वाला एरो बनेगा, डबल साइडेड एरो, बाय रेफरेंस वैल्यू इज चेंज्ड ऑटोमेटिकली। क्लियर है यहाँ तक, जल्दी से देखो इनको सारे सिंबल्स को और याद करने की कोशिश करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तब ये सिंबल्स याद कर लो, फिर मैं आगे समझा रहा हूँ। जो जिसका हो जाए याद हो जाए एक्सप्लेनेशन के साथ, मुझे वो कर दे, मैसेज कर दे जल्दी से। सही है अब्दुल्ला खान, तहान सारी सही है, जो जिसको याद हो गया मैसेज कर दे। अली वाजिद कोई सवाल है तो पूछ लो अभी। बेहतरीन, इसको जल्दी से एक दफ़ा याद कर लो, फिर हम इसका एक तुम लोग का डायग्राम दिखाता हूँ, उसे समझते हैं कि सिर्फ अभी स्ट्रक्चर चार्ट बनाएंगे नहीं, अभी सिर्फ समझेंगे हम लोग। सही है, सबका हो गया, आगे बढ़ो। चलो अहमर, इनको जल्दी से याद जी सर, करो, सिंबल्स याद करो, अपना रिवाइज कर लो, तुमने तो पढ़ा हुआ एक दफा, सिंबल्स को बस रिवाइज कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। एक सर्कल और उस पे एरो क्या रिप्रेजेंट करी होती है, वैल्यूज पास बिटवीन मॉड्यूल्स। एक सर्कल और एरो बूलियन वैल्यू पास बिटवीन मॉड्यूल्स, एक रॉम्बस डायमंड काइट जो बोलना बोलो, सिलेक्शन स्टेटमेंट। रेपिटेशन को शो करने के लिए एरो बनाते हैं, रेपिटेशन शो हो जाएगी। और अगर बाय रेफरेंस वैल्यू पास हो रही है तो डबल साइडेड एरो बनेगा। अहमद जल्दी से एक दफा पढ़ लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो जाए तो बता देना मुझे। हो गया है, मैं पढ़ लिया। जी सर, एक सवाल दिखाता हूँ तुम लोगों को, सवाल तो नहीं है बस इसका वो है, समझ लो इमेज है, इसको सिर्फ समझने के लिए क्या हो रहा, क्या होता है इसके अंदर। अच्छा जो आपका मेन मॉड्यूल होता है ना, जिसके अंदर सारे मॉड्यूल्स का सारा काम हो रहा होता है, उसको हम लोग सबसे टॉप पे रखते हैं।
ये सपोज कर लो ये मेन मॉड्यूल है, वो सबसे टॉप पर आएगा। फिर उसके बाद जितने भी सब मॉड्यूल्स होते हैं, सब मॉड्यूल्स का आएंगे नीचे, जितने सब मॉड्यूल्स हैं वो सब नीचे आ जाएंगे। अब देखो इसके अंदर कितने मॉड्यूल्स हैं, 3 मॉड्यूल्स हैं। एक मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल मतलब फंक्शन है या प्रोसीजर है। अब वो हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा फंक्शन होता है कौन सा मॉड्यूल होता है। सब ए देखो और सब बी देखो, ये दोनों क्या है, सब मॉड्यूल्स हैं। अच्छा मुझे बता सकते हो सब बी क्या है, फंक्शन है या प्रोसीजर, कौन बता सकता है? चलो मैं इसको समझाता हूँ पहले, अभी नहीं बताओ बाद में बताना। अच्छा अब सपोज करो कि एक वैल्यू है डी, ठीक है, एक वैल्यू है डी जो कि पास हो रही है सब बी में। सब बी का पैरामीटर क्या हो गया, डी। एक पैरामीटर है ई जो कि पास हो रहा है सब बी के अंदर। ये सब वैल्यूज जो है वो हैं जो सब बी के अंदर जाएंगी। और एक बूलियन वैल्यू है जो कि रिटर्न हो रही है। अब फोकस करो, रिटर्न हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, सब बी फंक्शन है या प्रोसीजर? सही है, अली वाजिद सही था। हाशिम फिर फोकस करो, वैल्यू रिटर्न हो रही है, जब वैल्यू रिटर्न होती है तो फिर वो क्या कहलाता है, प्रोसीजर के अंदर वैल्यू कभी भी रिटर्न नहीं होगी, सिर्फ फंक्शन के अंदर वैल्यू रिटर्न होगी। सही है, सबको क्लियर है ये? तहान सारी क्लियर है? अब बात करते हैं सब ए की। सब ए की बात करो जरा, इसके अंदर वैल्यू जा रही है बी, वैल्यू जा रही है ए एज अ पैरामीटर, लेकिन सी जो है इसमें वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही। इसका मतलब ये होता है कि जहां पे भी सी है ना वहां पे वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है। अच्छा बाय रेफरेंस का अगर तुम लोगों को मैं बोलूं कि कोई कीवर्ड बता दें कि भाई बाय रेफरेंस का हमें कैसे पता चलेगा, इसका सबसे आसान कीवर्ड है अपडेट। जहां पे वैल्यू अपडेट हो रही होती है उसका मतलब ये होता है कि भाई बाय रेफरेंस हो रही है। सही है, तो सी जो है वो बाय रेफरेंस पास हो रहा है और हमें ये पता चल रहा है कि कोई वैल्यू इसमें रिटर्न नहीं हो रही। तो ये क्या है, सब ए प्रोसीजर है या फंक्शन? सही है, मात प्रोसीजर। ओके प्रोसीजर, सही है, सही है अंसारी साहब। अहमद बताओ सब ए प्रोसीजर है या फंक्शन? मत मारना, वो कौन सी चीज होती है जो कि वैल्यू रिटर्न नहीं करती? फंक्शन। फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, इसको देख लो ऊपर, फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू, प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। सही है, प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू, फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू। याद करो उसे जल्दी से। तो याद कर लो और आगे बढ़ते हैं। सब भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई सब ए जो होता है आपका क्या होता है, प्रोसीजर है। जो भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा वो प्रोसीजर कहलाएगा, जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा उसका हम लोग फंक्शन कहेंगे। और ये ए और बी जो है एज अ पैरामीटर पास हो रहे हैं सब ए में। सही है, यहां तक सबको क्लियर है? अब सवाल देखें इसका एक बड़ा। चलो अब इसका मेन सवाल देखते हैं कि सवाल आते कैसे हैं इसके। हाँ जी, अरे बाप रे बाप, ये क्या आ गया। कहते हैं बाय वैल्यू, कॉपी आ गई थी आपके सामने, टेक्स्ट कॉपी, बाय रेफरेंस लेकर आते हैं भाई ना। सवाल को पढ़ो जल्दी से, क्या नहीं आएगा पेपर में, क्या चीज अली वाजिद, क्या चीज पेपर में नहीं आएगी? चलो इसको पढ़ो जल्दी से सवाल को।
इसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो। आपका सबसे पहली चीज़ हमें समझ आ रही है, तीन मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर, कौन कौन से? रेंट कार, पे बाय कार्ड, पे बाय अकाउंट, सही है। तुम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेन मॉड्यूल है, कौन सा मेन मॉड्यूल नहीं है। पढ़ो इसको आगे। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन अ मॉड्यूल इज समराइज्ड एज फॉलो। रेंट कार जो है वो क्या कर रहा है? अ कस्टमर विल पे फॉर ईच कार रेंटल ईदर बाय बैंक कार्ड और, अच्छा अब इस पे और फोकस करते हैं थोड़ा, ईदर बाय बैंक कार्ड और बाय यूजिंग देयर अकाउंट। इसका मतलब क्या है? कंडीशन आ रही है यहाँ पे, अगर वो बैंक कार्ड से पे करेगा तो कहाँ पे जाना चाहिए? पे बाय कार्ड के फंक्शन पे। और अगर वो, अगर का मतलब फोकस रखो उस पे, अगर पे, और अगर वो बाय यूजिंग देयर अकाउंट करेगा तो फिर कहाँ जानेगा? पे बाय अकाउंट वाले मॉड्यूल पे जाना चाहिए। सिर्फ इसको समझने की कोशिश करो, अभी और कुछ भी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता समझो, मसला नहीं। हमें ये समझ आ रही है कि भाई रेंट कार जो है वो मेन मॉड्यूल है। मेन मॉड्यूल कैसे है? रेंट कार के बाद ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई पे बाय कार्ड हो रहा था या पे बाय अमाउंट हो रहा था। पे बाय कार्ड और पे बाय बैंक दोनों रेंट कार्ड के अंदर आ रही हैं। इस चीज पे फोकस रखो। पे बाय कार्ड का फंक्शन, पे बाय अकाउंट का फंक्शन दोनों आपका रेंट कार्ड के अंदर है। और यहाँ पे हमें एक चीज और समझ आ रही है कि यहाँ पे लगी हुई है कंडीशन। सही, इतनी सी चीजें समझ आ गई सबको? यहां तक क्लियर है कि तीन मॉड्यूल्स हैं। मेन मॉड्यूल हमारा रेंट कार है, ईदर बाय बैंक कार्ड और बाय यूजिंग देयर अकाउंट से हमें ये समझ आया कि भाई यहाँ पे कंडीशन लगेगी। अब आते हैं पे बाय कार्ड पे। पे बाय कार्ड का कह रहा है भाई उसके अंदर एक पैरामीटर जाएगा हायर कॉस्ट, सही है, रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ द रेंटल, हमारे मतलब का नहीं है बाकी चीजें। अब वो कह रहे हैं रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू। रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू क्या मतलब है? पे बाय कार्ड इज अ फंक्शन, रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू। अच्छा, अब हमें बूलियन वैल्यू को रिटर्न करवाना होगा तो हम कैसे करवा सकते हैं? ऐसे, बस ऐसे ही नोट्स अभी देख लो यहाँ पे। अच्छा, रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू, उसके बाद देखो फील्ड एरो, बेहतरीन जवाब, टू इंडिकेट वेदर और नॉट द कार्ड पेमेंट वाज सक्सेसफुल। सही है, बूलियन वैल्यू आपको बता देगा वो। अब बात करते हैं पे बाय कार्ड, पे बाय अकाउंट की, सॉरी, पे बाय अकाउंट की बात करते हैं। क्या कह रहा है? कॉल्ड विथ पैरामीटर हायर कॉस्ट, कॉल्ड विथ पैरामीटर हायर कॉस्ट मतलब हायर कॉस्ट इसके अंदर जाएगा, अकाउंट नंबर इसके अंदर जाएगा, करंट बैलेंस इसके अंदर जाएगा एंड अकाउंट लिमिट। चेक्स वेदर हायर कॉस्ट प्लस द करंट बैलेंस वुड एक्सीड द अकाउंट लिमिट, इफ सो देन द रेंटल इज नॉट ऑथोराइज। सही है, ये हमारे मतलब का नहीं है। If the rental is authorized, the current balance is updated. इस पे फोकस करो। कह रहा है करंट बैलेंस इज अपडेटेड, इसका ये मतलब हुआ कि चलो सही है, इमाद सही है, प्रोसीजर है, लेकिन इससे हमें ये समझ आ रहा है कि करंट बैलेंस का जो पैरामीटर पास हो रहा है ना वो बेसिकली बाय रेफरेंस है। करंट बैलेंस का पैरामीटर जो पास हो रहा है वो बेसिकली बाय रेफरेंस है। कैसे पता चला? इज अपडेटेड, रिटर्न नहीं कर रहा कुछ और, अपडेट कर रहा है, तो बेसिकली बाय रेफरेंस हो रहा होगा। आगे देखो, रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू, तो ये भी क्या हुआ? फंक्शन हुआ। इमाद अब क्लियर हुआ? जब वैल्यू बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। चलो बेहतरीन हो गया। सही है, सब चीजें हमारे मतलब की जितनी भी थी हमने समझ ली है। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा मेन मॉड्यूल, हमें सिर्फ मॉड्यूल्स बनाने और उनके एरोस बनाने, फिर जो भी चीजें बाद में करते रहेंगे हम लोग। चलो जी, सबसे पहली चीज मेन मॉड्यूल बनाया करो सबसे टॉप के ऊपर। ये आ गया मेरा मेन मॉड्यूल, इसके अंदर मैंने लिख दिया रेंट कार। सही है, ये आ गया मेरा मेन मॉड्यूल। इसके बाद नीचे उसके बनाया करो जितने रेस्ट ऑफ द मॉड्यूल हैं, जो कि सब मॉड्यूल्स कहलाते हैं, पे बाय कार्ड या पे बाय अकाउंट। यहाँ पे आए हम, ऐसी कोई कॉपी कर लो भाई।
अच्छा इसमें जगह रखना है क्योंकि ना लाइन पे लिखना होता है, और क्लियर समझ आ जाएगा अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके बाद तुम लोग बनाओगे इनके दरमियान लाइन बिल्कुल सेंटर से। यहां तक कोई मसला? और इनको लेबल कर दो जल्दी से, बस पे बाय कार्ड और एक था पे बाय कार्ड मॉड्यूल और एक था हमारा पे बाय अकाउंट, इनको हमने लेबल कर दिया। यहां तक कोई मसला किसी को? कौन चला गया भाई? जो अशफाक गया ना, मसला नहीं उसका मुझे। अली वाजिद, इमाद अंसारी साहब, अहमर, हाशिम, इस स्टेप में कोई मसला है तो बताओ। मेन मॉड्यूल सबसे टॉप पे, फिर सब मॉड्यूल्स नीचे और उनके दरमियान एक लाइन बना ली। इसके बाद हमने एक चीज आइडेंटिफाई की थी कि मॉड्यूल्स में जाने के लिए ना उसने लगाई हुई कंडीशन, कौन सी कंडीशन है? ईदर बाय कार्ड और बाय यूजिंग देयर अकाउंट। हमने कुछ भी नहीं करना, हम आए यहाँ पे, हमने अपना शेप लिया और इसको यहाँ पे बना दिया। ये शो कर रहा है कि भाई यहाँ पे सिलेक्शन लगी हुई है। अगर वो कार्ड से पे कर रहा है तो कौन से मॉड्यूल में आएगा? पे बाय कार्ड में। अच्छा इसका ये मतलब नहीं होता कि सिलेक्शन स्टेटमेंट इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है, इससे कंफ्यूज मत होना। सिलेक्शन स्टेटमेंट फॉर द मॉड्यूल्स, सिर्फ सिलेक्शन स्टेटमेंट फॉर द मॉड्यूल्स, उसके लिए तुम ये आइडेंटिफाई करते हो। और अगर पे बाय अकाउंट होता तो कौन से मॉड्यूल में आता? पे बाय अकाउंट वाले में। तो ये आपने कंडीशन शो कर दी कि यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले पे बाय कार्ड को फिल करते हैं। कॉल्ड विद पैरामीटर हायर कॉस्ट, एक एक चीज आइडेंटिफाई करो। कॉल्ड विद पैरामीटर हायर कॉस्ट मतलब पे बाय कार्ड के अंदर क्या जा रहा होगा? हायर कॉस्ट आपने यहां पे लिख दिया, हायर कॉस्ट। सही है। अच्छा मैंने इसको सर्कल को खाली रखा है, एम्प्टी रखा है। क्यों रखा है खाली? क्योंकि ये बूलियन वैल्यू नहीं पास हो रही, हायर कॉस्ट पे बाय कार्ड के अंदर जा रहा होगा। आगे देखते हैं, रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ द, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब वो कह रहे रिटर्न द बुलियन वैल्यू, हमें तो कोई नाम नहीं पता इसका, सिर्फ और सिर्फ क्या पता है? रिटर्न कर रहे हैं एक बुलियन वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, एक एरो बनाएंगे जिसको शेड कर देंगे अंदर से, और एक एरो रिटर्न करते हुए दिखा देंगे कि इस मॉड्यूल से एक एरो बाहर की तरफ आ रहा है जिसकी डेटा टाइप क्या है? बुलियन। इधर तक क्लियर है? अंसारी साहब, अली वाजिद साहब, जल्दी जल्दी जवाब दे दो बस, क्लियर यस यू यस नो करके कर दो बस, टाइम नहीं इतना। चलो बेहतरीन, अब आगे बढ़ते हैं, पे बाय अकाउंट वाले को फिल करते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कॉल्ड विद पैरामीटर हायर कॉस्ट उसके अंदर जाएगा, अकाउंट नंबर उसके अंदर जाएगा, करंट बैलेंस जाएगा और अकाउंट लिमिट जाएगा। चार चीजें जा रही हैं, लेकिन हमें ये पता है कि करंट बैलेंस जो है वो बाय रेफरेंस जा रहा है, तो हम इसको अभी इग्नोर करते हैं, बाकी सारी चीज़ों को देखते हैं। हायर कॉस्ट, अकाउंट नंबर, अकाउंट लिमिट बाय वैल्यू जा रहे हैं। एक एरो बनाया आपने, दो एरो बनाया आपने, तीन एरो बनाया आपने। अच्छा एक मिनट देना, मैं इसको उठा के इस साइड पे ले आऊँ। हायर कॉस्ट, अकाउंट नंबर और अकाउंट लिमिट, करंट बैलेंस को मैंने अभी इग्नोर किया, क्यों? क्योंकि वो बाय रेफरेंस जा रहा था, मैंने यहाँ पे लिख दिया जल्दी से। ये हायर कॉस्ट आ गई और उसके बाद है अकाउंट नंबर, उसके बाद क्या है? अकाउंट लिमिट। सही है। अब मैंने ये देखा कि भाई करंट बैलेंस इज अपडेटेड, अपडेटेड का मतलब क्या था कि भाई बाय रेफरेंस, मैंने यहां लिख दिया करंट बैलेंस। जब भी कोई वैल्यू बाय रेफरेंस हो रही होती है, सेंटर में सर्किल और आपने क्या किया, डबल एरोस बना दिए, डबल साइडेड एरोस, करंट बैलेंस। और वो एक और चीज कह रहा था रिटर्न्स अ बुलियन वैल्यू, तो रिटर्न करने के लिए एक सर्कल शेडेड और बुलियन वैल्यू रिटर्न कर दी। कोई मसला है इसमें? मुफ्त के 8 से 7 मार्क हैं इसके। अच्छा
अली वाजिद, अंसारी साहब, इमाद साहब, चलो सही है, हाशिम का जवाब आ गया मेरे पास, अहमर क्लियर है। से तो देखते हैं, कोई सवाल है तो पूछ लो अभी, क्योंकि मैं भी तुम लोगों से ही सवाल करवाना है मुझे, कोई भी कंफ्यूजन है पूछ लो। मैनिपुलेशन के सारे तो नहीं है ना अभी, तो सही, मसला नहीं। अली वाजिद कुछ सवाल है, टाइप कर रहे हो अभी, चलो ठीक है, अब एक सवाल तुम लोगों को करना है, सवाल दे रहा हूँ, तुम लोग सॉल्व करोगे और कहाँ भेजोगे, व्हाट्सएप करोगे मुझे। चलो इसको करके दो मुझे, बाकी सारे सवाल सेम है, कुछ भी नहीं है इसमें, अगर ये सवाल सही कर देते हो तो बस बेहतरीन, आइडेंटिफाई कर लेना इसमें कौन सा मेन मॉड्यूल है, सब चीज़ें करके दो मुझे जल्दी से, 5 मिनट दे रहा हूँ, चलो जितना टाइम लेना है बल्कि ले लो तुम लोग, और इसको मुझे करके दो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर मैं सारे जिस जिसका सवाल का जवाब आता रहेगा मैं उसको अपलोड करके चेक करते रहेंगे हम लोग। सही है, जल्दी से करके दो, और देख लेना कौन सा प्रोसीजर है, कौन सा फंक्शन है, कौन सा नहीं है, सब चीज़ें लिखी हुई हैं इसके अंदर, सबने इसको सॉल्व करना है और व्हाट्सएप पे तस्वीर भेजनी है, फिर मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा और इसको चेक कर लेंगे। पता नहीं मुझे हाशिम, मुझे कुछ नहीं पता, अभी आप लोगों ने सॉल्व करना है, खुद आइडेंटिफाई करो कौन सा मेन है कौन सा नहीं है, एंड पे चेक करते हैं इसको।
कौन चला गया यहाँ पे? अब्दुल्ला खान है, हाशिम इमाद, अंसारी साहब है, अहमर नहीं है। सही, जल्दी से इसको करके भेजो मुझे। अरे भाई कितना टाइम लगेगा तुम लोगों? इतना छोटा सा सवाल है। किसी का तो आया भाई, गॉड हैमर भाई। चलो मैं इसकी मार्क्सिंग खोल लेता हूँ, इतना टाइम लगेगा मुझे। आ गया यार बंदा, अच्छा गया। S2 सही है, P3 सही है, ठीक है, PSO सही है, ठीक है, बेहतरीन। अहमद बिल्कुल सही है, सारा सही है, एक एक चीज़ सही है। बस कोशिश किया करो इसको ना बॉक्स में बनाया करो, जो टॉप मॉड्यूल है ना, मेन मॉड्यूल जो है उसको भी बॉक्स में बनाए। और उसके बाद एक चीज़ और फोकस रखा करो, क्या कि वो ब्रैकेट्स लगाया करो। लुकअप जैसे लिखा है ना तुमने, तो उसके बाद ब्रैकेट्स आएंगे। किसी और का सवाल आया मेरे पास? अच्छा अभी तक नहीं आया, चलो जल्दी जल्दी भेजो। हाँ लेबल करना है भाई, क्यों नहीं करना, लेबल लेबल बहुत ज़रूरी है। अच्छा जीतान अंसारी का आ गया, माय माय, ये क्या चीज़ लाए आप था भाई। अच्छा वैलिडेट वैलिडेट चेक करते हैं। सी है जी, सही है सही है सही है सही है, एक गलती, ठीक है उसको चेक कर लेते हैं। अपडेट के अंदर कर दिए, एक गलती की है तानसारी साहब, मैं आपको बता देता हूँ अभी सबका, आज फिर मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन, अली वाजिद का आ गया, अली वाजिद साहब आपका देख लेते हैं हम। सही है सही है सही है, बेहतरीन बेहतरीन और बेहतरीन, सब सही है। हाशिम का आ गया बेहतरीन। ये क्या किया भाई, हाशिम समझा देता हूँ तुम्हें भी। अब्दुल्ला इशफाक साहब जल्दी से इसको करके भेज दो मुझे, 2 मिनट से ज्यादा मत लगाना भाई। और कौन रह गया? अब्दुल्ला खान साहब, साहब साहब, इमाद का आ गया, इमाद गलती कर दी एक। अच्छा एक नहीं, बहुत बड़ी गलती कर दी, चलो मैं समझा देता हूँ। जरा खान का आ गया, अरे मेरे भाई इसको सीधा बना देता कसम से, मैं देख लेता हूँ ऐसे ही, ठीक है। तुमने को क्या हो गया भाई? हेलो, सही है, हाशिम की गलती है। तो आगे क्या मेरे पास कोई रहता नहीं क्या?
मार्क रह गया, चलो हो गया। चलो मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ पे अपलोड करके तुम लोगों को दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। जिसकी गलती है पहले, जो कम गलती वाले हैं वो देख लें। हाँ अंसारी साहब, ये आ गई आपकी गलती। बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किए तुमने कि हमारे जो मेन मॉड्यूल है वो रीन्यू है। बिल्कुल सही जवाब, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं। इसके बाद तुमने ये भी सही किया कि P3 पास हो रहा है, S2 पास हो रहा है। अच्छा लेबल तुम लोग जो कर रहे हो वो डेटा टाइप को लेबल कर रहे हो, अगर मुझे पता सही होगा। माए माए शश की बाजी भी अब हो गई है। अच्छा इसको लेबल कौन करेगा, दुल्ला साहब वैलिडेट वाले को? हाँ मसला नहीं मसला नहीं। अच्छा अंसारी साहब आपने क्या किया, S2 बिल्कुल सही पास किया, P3 बिल्कुल सही पास किया और वैलिडेट का मॉड्यूल बिल्कुल सही किया। लुकअप की बात करते हैं, लुकअप में वो ऊपर पढ़ो ज़रा, इसका मतलब होता है, हाँ ये कह लो कि मैंने सही से बताया नहीं इसके बारे में, हम लोग इसको करेंगे आगे। बाय रेफ का मतलब होता है बाय रेफरेंस पास हो रहा है, सही है। बाय रेफ बेसिकली अब नाम नहीं है, बाय रेफ क्या है, बाय रेफरेंस पास हो रहा है। क्या पास हो रहा है, M4। इसका तुम जो बनाओगे M4 को वो ऐसे बनाओगे, डबल साइडेड एरो। सारी साहब क्लियर है, इसको ऊपर पढ़ लिया करो, बाय रेफ है, बाय रेफ M4 है, बाकी सब सही है। अच्छा इसका क्या किया है तुमने, ये अपडेट का, अपडेट का, अच्छा इसलिए कंफ्यूज हो गए। अपडेट का मतलब था अगर वो वैल्यू अपडेट कर रहा है, लेकिन अपडेट इस एग्जाम्पल में आपका एज अ नेम इस्तेमाल हो रहा है। भाई साहब क्लियर है, अब अपडेट इसके अंदर एज अ नेम इस्तेमाल हो रहा है, कोई वो नहीं है। तुमसे यार ये सवाल भी ऐसा मिल रहा था, ठीक है। तो इसको तुम अपडेट के अंदर सिर्फ क्या जा रहा है, अपडेट के अंदर देखते हैं T4 की वैल्यू अंदर आएगी और बाहर क्या जाएगा, अपडेट का था ना, हाँ T4 की वैल्यू अंदर आएगी और रिटर्न्स इंटीजर। तो तुम इसको कैसे बनाओगे, T4 की वैल्यू बिल्कुल सही बनाइए, ये कट जाएगा और बस एक नॉर्मल एरो आ जाएगा, सही, नॉर्मल एरो जो कि इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा, इसको लेबल करने की जरूरत नहीं है। अपने सवाल में कोई मसला अंसारी? चलो अब आगे बढ़ते हैं दूसरों के सवालों पे। अब किसने गलती की थी, हाशिम की आई गेस थी वो गलती। अब हाशिम तुम देखो अपना कि तुमने क्या किया, फाइल पिक्चर अब तक वैसे समझ आ गया होगा तुम्हें, लेकिन फिर भी देख लो अपनी गलती। यस एक और चीज यहाँ पे ना लेबल किया करो कि ये तुम ब्रैकेट्स लगाया करो, जैसे रीन्यू है तो ये ब्रैकेट से शो करो, ये सिर्फ नाम नहीं है बेसिकली मॉड्यूल्स हैं, तो ब्रैकेट से शो करना जरूरी है। अच्छा वैलिडेट की बात करते हैं, इंटीजर वैल्यू जा रही है लेकिन उसकी तुम क्या लिखोगे, लेबल से मतलब ये था कि नाम आने चाहिए, पर हमने देखा था ना यहाँ पे देखो हायर कॉस्ट नाम है, उसकी मैंने डेटा टाइप नहीं पास की, तो ये आ गया P3। और यहाँ पे क्या आना चाहिए, S2। और रिटर्न्स बूलियन बिल्कुल सही है। लुकअप, लुकअप के फंक्शन में P4 आ रहा है। अच्छा बायरेफ वाली लॉजिक क्लियर है सबको, लुकअप के अंदर जो जा रहा है देखो, लुकअप के अंदर, लुकअप के अंदर तो कोई बायरेफ M4, ये रहा लुकअप बायरेफ M4। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, डबल साइडेड एरो जिसका नाम दे दोगे तुम M4। अपडेट देखो, अपडेट के अंदर क्या हो रहा है, अपडेट के अंदर T4 जा रहा है और इंटीजर वापस आ रहा है, तो T4 अंदर जा रहा है और इंटीजर बाहर आ रहा है। क्लियर है हाशिम, अब तो गलती नहीं होगी, बेहतरीन हो गया। अब किसकी गलती थी, और इमाद की, देखते हैं किसकी ज्यादा बड़ी गलती है। अब्दुल्ला खान साहब आपने ये क्या सोच के बनाया, पहले तो मुझे ये बताइए। माय गॉड,
से पढ़ू भाई मैं इसको, ऐसे पढ़ू? अरे कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, समझना मेन चीज यार। चलो मसला नहीं, मसला नहीं। मैं आते हैं पे भी आते हैं। इसको ऐसे बनाया करो, यहाँ पर ऐसे आएगा। यहाँ पे लिख लिया करो रीन्यू, सही है? बाकी चीजें देख लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं इसमें। वैलिडेट, वैलिडेट के अंदर क्या जा रहा है? अब तुम्हें मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि नाम लेबल करने कभी भी डेटा टाइप लेबल नहीं होगी। यहाँ पे भी सही था, ये तो बिल्कुल सही है। लुकअप के अंदर देखो तुमने क्या किया है, बाय स्ट्रिंग, चलो बाय रेफ को तुमने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है, लेकिन ये एम फोर होगा, यहाँ पे नाम आ जाएगा एम फोर। लेकिन एक चीज तुम भूल गए लुकअप के अंदर, क्यों भूल गए देखते हैं। लुकअप के अंदर पी फोर एज ए इंटीजर पास हो रहा था, इसको क्यों नहीं बनाया? पी फोर एज अ इंटीजर पास हो रहा था, तो तुम्हें यहाँ पे बनाना जरूरी है, एक और बनेगा यहाँ पे जो कि बताएगा कि भाई पी फोर पास हो रहा है यहाँ पे। अपडेट का देखते हैं, अपडेट के अंदर इंटीजर वैल्यू बाहर जा रही है, लेकिन एक और वैल्यू थी जो कि टी फोर थी, जो कि अंदर की तरफ आ रही थी, इसको भी तुमने मिस कर दिया। अपडेट का देखो, टी फोर इंटीजर एज अ पैरामीटर जा रहा है और रिटर्न कर रहे हैं टीचर, तुमने ये आइडेंटिफाई सही किया, लेकिन टी फोर के जो पैरामीटर थे उसका आइडेंटिफाई नहीं किया। अब बताओ क्लियर है पूरा? बेहतरीन हो गया। अब कौन रह गया? सब बात छाई गई कदम। अच्छा भाई, अब हम आते हैं, इमाद हो गया, ये किसका था? अहमद तुम्हारा बिल्कुल सही है, अब्दुल्ला अशफाक तुम्हारा बिल्कुल सही है। अब आते हैं इमाद साहब पे, लेवल वाइज चलने, जिसका सबसे बकवास है वो आखिर में आएगा। फाइल इमाद का है। अच्छा अलीवाजी तुम्हारा बता दिया मैंने? नहीं अलीवाजी तुम्हारा नहीं बताया ना, चलो अलीवाजी का पहले, ठीक है? अलीवाजी की टांगे आ गई हैं भाई, माजरे अलीवाजी साहब, चलो जूम कर देते हैं, कोई देखे नहीं भाई। चलो इसको समझो, मेरे ख्याल से तो सही बना है, पी थ्री आ रहा है सही है, एस टू आ रहा है सही है, वैल्यू आ रही है पी फोर है, एम फोर है, वी थ्री, टी फोर जा रहा है, टी फोर जा रहा है, बेहतरीन। ए कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, मसला नहीं। अब है आखिरी हमारे महान शख्सियत का पिक्चर जी, मसला आज चली गई, आज तो आई नहीं रही, जो ऊपर है अरे जी, सबसे पहली गलती आपने आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि आपका मेन मॉड्यूल क्या था, सही है? वो तो सही है, तुम्हें समझ आ गया होगा, लेकिन इस चीज को समझो कि आइडेंटिफाई करते कैसे। बेसिकली वो कहता था फोर्थ मॉड्यूल रीन्यू कॉल्स द थ्री मॉड्यूल, मतलब क्या हुआ कि रीन्यू एक मेन मॉड्यूल है जो कि कॉल कर रहा है इन तीनों मॉड्यूल्स को, तो हमने ऐसे आइडेंटिफाई किया कि भाई मेन मॉड्यूल कौन सा था। इमाद कुछ समझ आई इसमें? मेन मॉड्यूल हमने समझा कैसे? हाँ इसी देख, सब चीजें एक चीज को पढ़ा करो, बाकी आगे की चीजें देख लेते हैं कि जो वैल्यूज तुमने पास की हैं वो क्या की। उड़ तेरी खैर भाई, ये क्या है? नहीं नहीं भाई पूरा गलत है, इसमें कुछ सही नहीं है, अपडेट का सही है तुम्हारा। चलो नहीं, अपडेट भी गलत है। अपडेट में देखो क्या किया तुमने, एज अ बूलियन वैल्यू पास कर दी, जबकि क्या था? अपडेट का पढ़ो, रिटर्न्स इंटीजर कर रहा था वो, तो अगर यहां पे लिखा होता रिटर्न बूलियन फिर तुम्हारा सही था। समझ आ रहा है कुछ इमाद? अब तो कोई मसला नहीं होगा, एक सवाल और दे दूं? चलो एक सवाल और देता हूँ तुम लोग, एक मिनट, दो मैं तस्वीर खींच के अपलोड करता हूँ।
ग्रुप पे डाल दूं मैं या यहीं पे अपलोड करूं? चलो यहीं पे कर देते हैं, ग्रुप पे डाल के फिर अपलोड कर देंगे। चलो एक मैंने तस्वीर ग्रुप पे डाली है, उसको देखो। मैं एक और डाल देता हूँ, इस पर भी डाल देता हूँ, यहाँ पर अगर देखना किसी ने। ग्रुप कहाँ है, ग्रुप कहाँ है, मर्जी है, पढ़ना है तो पढ़ लो, मुझे क्या है। करा दूँ मैं आज ही, करा दूँ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, क्या ख्याल है? थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेते हैं आज। पहले इसका सवाल करके दो, फिर बात करते हैं इसके बारे में, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की। अब सब सही से आइडेंटिफाई करें कि कौन सा मेन है कौन सा नहीं है, सब चीजें देख लो। अच्छा कोशिश करना इसको सही बनाओ सब, ताकि हम आगे बढ़ सकें। करके भेजो मुझे व्हाट्सएप, फिर चेक करते हैं।
अच्छा जी, अली वाजिद का आ गया मेरे पास, मैं जल्दी से चेक करके बता देता हूँ, अगर सही है, गलत है तो अपलोड कर दूंगा मैं इस पे। मेन मॉड्यूल सही से आइडेंटिफाई कर लिया, बेहतरीन 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 बेहतरीन, अपडेन पूरा सही है। इसके कितने मार्क्स मिले हैं तुम्हें, मैं वो भी बता दूँ, 5 मार्क का सवाल था ये, सही है, 5 मार्क्स मुफ्त के मिल गया अब तुम लोगों को। जल्दी से इसको सवाल करो और भेजो मुझे। अली वाजिद तुम्हारा सही है यार, वैसे इतना टाइम लगना नहीं चाहिए तुम लोग, क्या चार तुम तीन वो बनाने, तुम लोग को रेक्टेंगल्स खत्म करके भेजो मुझे बाकी लोग। चलिए आप किस किस का आ गया, हाशिम साहब का आ गया, हाशिम साहब का देख लेते हैं। टी मार्क्स खेम से शुक्र, चलिए हाशिम साहब बेहतरीन, सब सही है हाशिम। इमाद का देख लेते हैं, इमाद गलत किया है, गलत किया इमाद। बदला खान को देख लेते हैं, सही है, सही है। डेट फाइल का क्या सीन है, ये जा रही है और जाइए, मेरे पास उठाए बेहतरीन। अच्छा भाई, वो आपने बहुत खूबसूरत बनाया फूल, सही है, तारीफ भी हो गई आपकी, आगे बढ़ते हैं। और सबका हो गया क्या, सबने दे दिया, अली वाजिद तुम्हारा हो गया, हाशिम तुम्हारा हो गया, अब्दुल्ला खान तुमने भी सही बनाया। एक चीज़ तुम्हें समझानी है अब्दुल्ला, बाकी किसका है, इमाद का गलत है बस, और फिर रह गया तान सारी, सब आपका इंतजार कर रहे हैं भैया, हम फिर हम स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट रुक जाते हैं। चलो सही है, मैं कर देता हूँ इसको सॉल्व। कोई मसला नहीं, चलो मैं करके दिखा रहा हूँ इसको सॉल्व, चीजें हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं सब चीजें, और इसे सॉल्व कैसे करना है वो भी देख लो तुम लोग। आओ जी, गेट पासवर्ड हमारा एक मॉड्यूल है, अपडेट फाइल चेंज पासवर्ड। अब सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आपका मेन मॉड्यूल कौन सा है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखो गौर से देखो,
कि चेंज पासवर्ड जो है वो दो और मॉड्यूल्स को कॉल कर रहा है, कौन कौन से, गेट पासवर्ड और अपडेट फाइल। तो ये जो मॉड्यूल्स हैं किसके अंदर आ रहे हैं, चेंज पासवर्ड के अंदर आ रहे हैं। तो हमें एक चीज़ पता चल गई, क्या पता चली है कि भाई आपका मेन मॉड्यूल जो है वो चेंज पासवर्ड है। कोई इशू यहाँ तक, यहाँ तक कोई इशू तो बताओ। एक सेकेंड यार, मैं म्यूट कर दूँ, बहुत अच्छा रहा है बार बार। सही है जी, ठीक है, आपने मेन मॉड्यूल आइडेंटिफाई कर लिया, हमने बना लिया यहाँ पे मेन मॉड्यूल, जल्दी से बना देते हैं। ये आ गया इमाद, तुम सही थे इसमें, हाँ मैं बता रहा हूँ तुम्हारी गलती, तुम्हारा भी मैं खोल लेता हूँ यहीं पे। ठीक 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 ये क्या बन गया, यहाँ पे आ गया आपका, आइडेंटिफाई कर लिया हम लोगों ने भाई चेंज पासवर्ड वाला जो मॉड्यूल है, मैं बस ऐसे ही रफली बना रहा हूँ सही, चेंज पासवर्ड वाला मॉड्यूल जो है वो हमारा मेन मॉड्यूल है। इसके बाद हमने क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई बाकी जो है वो सब मॉड्यूल्स होंगे, यहाँ पे बना लो जल्दी से। ये आ गया आपके सब मॉड्यूल्स, एक पे नाम लिख दो गेट पासवर्ड, ये आ गया आपका गेट पासवर्ड वाला, बस रफली करके दे रहा हूँ आप लोगों को, कॉन्सेप्ट समझो बस। और दूसरा आ गया अपडेट फाइल वाला, आपका अल्लाह भला करे इमाद, तुमने यहाँ तक बिल्कुल सही किया, इसके बाद मैं दिखाता हूँ तुमने गलती कहाँ की। एक लाइन आ गई यहाँ पे, एक लाइन आ गई यहाँ पे, दोनों को कनेक्ट करते हुए दिखा दिया। ए जी इसके बाद का देखते हैं, इसके बाद तुमने गलती की है माद, क्या गलती की, गेट पासवर्ड के अंदर क्या किया जा रहा है, टेक्स टू पैरामीटर्स, अकाउंट आईडी एंड ओल्ड पासवर्ड, रिटर्न्स अ स्ट्रिंग, रिटर्न्स अ स्ट्रिंग, कोई नाम नहीं दिया हुआ, अगर नाम नहीं दिया हुआ होता ना तो नहीं लिखा करो, खाली छोड़ दो। अब्दुल्ला खान तुमने भी ये गलती की है, देख लेता हूँ तुम्हें दिखा देता हूँ। हाँ तुमने यहाँ पे रिटर्न पे क्या किया, न्यू पासवर्ड करके लिख दिया, लेकिन अगर सिर्फ रिटर्न्स अ स्ट्रिंग तो मतलब रिटर्न्स अ स्ट्रिंग बस एम्प्टी रखोगे। अच्छा एक सेकंड दीजिएगा, अच्छा ठीक है, अकाउंट आईडी जाएगी और ओल्ड पासवर्ड जाएगा, और रिटर्न क्या हो रहा है, स्ट्रिंग। हाँ जी गेट पासवर्ड के अंदर हम अकाउंट आईडी भेजते हैं पहले, तो ये लो जी ये गया आपका अकाउंट पासवर्ड, अकाउंट आईडी, सॉरी एसीसी आईडी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बस अभी फिलहाल के लिए, वरना पूरा लिखना हमेशा। और दूसरा पैरामीटर क्या जा रहा है, ओल्ड पासवर्ड जा रहा है, ये मैंने भेज दिया ओल्ड पी कर देता हूँ, ओल्ड पासवर्ड से समझ जाना ये ओल्ड पी लिखा हुआ है, ठीक है। और गेट पासवर्ड रिटर्न क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग वैल्यू, उसको स्ट्रिंग वैल्यू को हम लोग ऐसे रिटर्न करवा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया अब्दुल्ला खान तुम्हारा सही, इसके बाद का सब सही है। अपडेट फाइल पे जरा अब फिर फोकस करो, इमाद तुमने जो गलती की है तुम फिर कंफ्यूज हो गए किस चीज में, अपडेट से ये मतलब मेरा नहीं होता। अच्छा तुमने क्या किया है अपडेट फाइल में, हाँ तुमने गलती की, क्या की के अगर वो नाम में लिखा हुआ है ना अपडेट फाइल, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ये बाय रेफरेंस हो रहा है, वो तुम्हें यहाँ पे आइडेंटिफाई करवाएगा इस पोर्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन में अगर आइडेंटिफाई करवाए अपडेट तो फिर उसको इस्तेमाल करोगे, सही है। अगर नाम लिखा हुआ हो तो फिर उसके अंदर वो वाली लॉजिक नहीं लगाना जो कि मैंने तुम लोगों को बताई थी कि अपडेट का मतलब होता है बाय रेफरेंस। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अकाउंट आईडी हो गया, न्यू पासवर्ड हो गया, अपडेट फाइल की बात करते हैं।
अपडेट फाइल के अंदर क्या क्या जा रहा है, टेक्स टू पैरामीटर, अकाउंट आईडी ले रहा है और न्यू पासवर्ड ले रहा है, ये हमने भेज दिया अकाउंट आईडी, एसीसी आईडी लिख देते हैं इसको, और क्या भेज रहा है, न्यू पासवर्ड भेज रहा है, ये आ गया मेरा न्यू पासवर्ड, एनपी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अपडेट फाइल में अकाउंट आईडी जा रही है और न्यू पासवर्ड जा रही है, मैं बता रहा हूँ। अपडेट फाइल के अंदर दो पैरामीटर जा रहे हैं, एक अकाउंट आईडी, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं ताकि क्लियर हो जाए थोड़ा, एक अकाउंट आईडी जा रहा है और एक न्यू पासवर्ड जा रहा है, और रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू, बूलियन वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई नाम नहीं लिखना, रिटर्न बूलियन वैल्यू, सर्कल करोगे और वापस की तरफ भेज दोगे। अब क्लियर है इमाद? क्लियर हो गया? अब वो गलतियां तो नहीं होंगी, चलो बेहतरीन। अब्दुल्ला खान तुम्हारा क्लियर हो गया सबको? अंसारी साहब अब मुझे बताओ हो जाएगा? चलो सही, ये हो गया आपका वो वाला कॉन्सेप्ट जो कि आपका स्ट्रक्चर चार्ट बनाने को देता है। अच्छा इसके बाद ना एक चीज और है, बस एक मैं एग्जांपल करवा दूं आप लोगों को, फिर आप लोगों का ये खत्म चैप्टर पूरा, जो कि आपको पासवर्ड्स में मिलेगी। कौन सी एग्जांपल? वो आपसे कहते हैं कोई भी मॉड्यूल का ना हेडर लिखने को कहता है, तो मैं दिखा देता हूँ। एक केस आता है आपका, वो आपको स्ट्रक्चर चार्ट देता है, उसके बाद वो बोलता है एक मॉड्यूल का आप हेडर लिख दीजिए। यहाँ पे मैं लिख कर दे देता हूँ, राइट, ऐसा क्वेश्चन लिखा होता है, राइट सूडो कोड फॉर मॉड्यूल हेडर, ये सवाल आता है। एक काम करते हैं, मैं ऊपर से ना वो लेकर आता हूँ सवाल जो हम लोगों ने सॉल्व किया, सबसे पहला ये वाला कॉपी, अच्छा इस सवाल के साथ उन्होंने एक चीज हमें और दी हुई थी, क्या क्या दिया बता, सब डेटा टाइप्स बताई हुई थी जितने भी पैरामीटर्स थे उनके, ए कॉमा डी उसका बताया था कि भाई स्ट्रिंग है, ए और डी जो है वो स्ट्रिंग है, और उन्होंने कहा था सी जो है वो चार है, चार डेटा टाइप पढ़ी थी ना कैरेक्टर वाली, बी और ई जो है आपके इंटीजर्स हैं, ये सब उन्होंने बताया हुआ था हमें, ठीक है जी। अब बात करते हैं राइट सूडो कोड ऑफ मॉड्यूल सब बी, सवाल क्या है मेरा, राइट सूडो कोड फॉर मॉड्यूल सब डी। अब वो कह रहे हैं इस मॉड्यूल का आपने क्या लिख कर देना है, एक हेडर लिख कर देना है, हमने स्टार्टिंग में हेडर पढ़ा था ना। अच्छा सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करके बताओ सब बी फंक्शन है प्रोसीजर है, जल्दी जल्दी जवाब दो मुझे। सब बी इज अ फंक्शन और अ प्रोसीजर, सही है सबका जवाब आ गया। आगे देखते हैं, मैंने लिखा फंक्शन हेडर बनाने के लिए, सबसे पहले क्या लिखते थे हम लोग, फंक्शन, उसके बाद आएगा उसका नेम, नाम क्या है इसका सब बी, उसके बाद आएंगे पैरामीटर्स की डिक्लेरेशन, पैरामीटर्स की डिक्लेरेशन हमेशा ब्रैकेट के अंदर होगी, इसके अंदर कौन सा पैरामीटर जा रहा है, डी एंड ई, सबसे पहले मैंने पैरामीटर का नाम लिखा और उसकी डेटा टाइप, डेटा टाइप ऊपर से आके देखो स्ट्रिंग है, डी कॉलन स्ट्रिंग, कॉमा एक और पैरामीटर पास हो रहा है कौन सा ई, पैरामीटर ई की डेटा टाइप देखो इंटीजर, ई लिखा कॉलन इंटीजर, और कोई पैरामीटर तो नहीं है, नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा अब आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कौन सी डेटा टाइप है जो कि वापस जा रही है, जल्दी से मुझे बताओ ऐसी कौन सा डेटा टाइप है जो कि रिटर्न हो रही है सब बी के अंदर, बेहतरीन अली वाजिद, रिटर्न डेटा टाइप लिखते थे तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे भाई बूलियन है, और वो कैसे आइडेंटिफाई किया भाई, शेड हुआ था, शेड हुआ था तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इमाद वैल्यू नहीं पूछते हमेशा, मैंने तुम्हें ऊपर देखो जल्दी से देखो ऊपर, फंक्शन हेडर करवाया था उसके अंदर क्या कहा था, रिटर्न डेटा टाइप, नाम नहीं लिखते रिटर्न के अंदर,
सिर्फ डेटा टाइप लिखते हैं, याद रहेगा अभिमान? रिटर्न बूलियन। अच्छा अब अगर मैं कहूं आपसे एक और चीज, राइट सूडो कोड। For module sub A, सही है, सब ए का वो लिखते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई करो क्या है, प्रोसीजर या फंक्शन? इमाद बिल्कुल सही जवाब, जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ मुझे, सही है अब्दुल खान, सही अली वाजिद, चलो सही है, मतलब आइडेंटिफाई तुम लोगों ने कर लिया कि ये सब ए जो है वो बेसिकली आपका प्रोसीजर है। अब मैंने क्या लिखना है, सबसे पहले आएगा प्रोसीजर, फिर उसका नाम, नाम क्या था, सब ए, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या आता था, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। सबसे पहले ए और बी की बात करो, ए क्या है स्ट्रिंग, बी क्या है इंटीजर, ए कॉलन स्ट्रिंग कॉमा बी कॉलन इंटीजर, और कोई है, एक और पैरामीटर है, कौन सा, सी, लेकिन बाय रेफ हो रहा है, लिखोगे यहाँ पे बाय रेफ, बाय रेफ लिखने के बाद सी कॉलन, सी की डेटा टाइप बताओ क्या है, चार, कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं है तो उसके बाद नहीं लिखोगे। इमाद बिल्कुल सही है, बाय रेफ सी का सबको समझ आ गया, बाय रेफ सी चार, बताना होता है आपको कि बाय रेफरेंस भेज रहे हैं, और वो कैसे पता चला हमें, दो एरोस थे डबल साइडेड। अब एक एक करके मुझे जवाब दो सब, या एक सवाल तुम लोगों को करा दूं, इसका सवाल करना है, एक कर लो, कैपिटलाइज कर लिया करो अली वाजिद, बस मैंने अभी जल्दी जल्दी किया ना, मैं एक इसको सवाल देता हूँ तुम लोगों को ना, ताकि तुम लोगों की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। आओ जी, ये ऐसे ही होता है, तीन तीन मार्क के सवाल होते हैं, एक बस हेडर लिखने के 3 मार्क मिलते हैं, तो इसको सीख लो तो क्या ही बात हो जाएगी तुम लोगों की। हाँ जी, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया करो फंक्शन क्या है, प्रोसीजर क्या है, मॉड्यूल बी से स्टार्ट करो इसको। अब वो तुम लोगों की किस्मत है ना, इमाद आ जाएगा, सब आ जाएगा, टेंशन नहीं लो, ट्रांजिशन आएगी और ये आएगी इंशाल्लाह, आसान पेपर होता है भाई, बहुत आसान है। हाँ समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बस थोड़ा सा पढ़ लो, इंशाल्लाह हो जाएगा, ये 10 सितंबर तक पेपर टू तुम लोग का, इतना तो हो जाएगा कि तुम लोग का बी ग्रेड तक तो बन जाएगा, फिर ए ग्रेड वाली तुम लोग को मेहनत खुद करनी पड़ेगी, और वो भी बता दूंगा कि कैसे करनी है, अगर फॉलो कर लिया तरीका तो फिर तो आ जाएगा ए ग्रेड भी इंशाल्लाह, बाकी सब अल्लाह की मर्जी है। जल्दी से मुझे अब मॉड्यूल बी का वो लिख कर दो, अच्छा इसकी मुझे तस्वीर भेज देना, सब पेपर पे लिखे और मुझे तस्वीर भेज दे व्हाट्सएप पे, मैं चेक कर लूँ, चलो ये भी हो जाएगा, बता देता हूँ ना क्या आएगा, बस 10 दिन का चैप्टर है, फंक्शंस आ सकते हैं, स्टेट ट्रांजिशन आ सकता है, 2D आएगा, 1D आएगा, फाइल्स आएगा, लूप्स आएगा, सिलेक्शन स्टेटमेंट आएगा, बेसिक प्रोग्रामिंग, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है, स्ट्रक्चर चार्ट है, और कुछ थ्योरी के सवाल होंगे और फ्लो चार्ट है, सही है। अब कौन चला गया? हाँ बस हो जाएगा ना, फिर कौन गायब हो गया, ये हाशिम साहब गायब हो गए। अच्छा इसको सॉल्व करके मुझे सब व्हाट्सएप करें जल्दी, इसका एक थ्योरी का सवाल आता है वो करके ख़त्म करते हैं फिर क्लास।
अच्छा जी, किस किस का जवाब आ गया मेरे पास? अली वाजिद का आ गया, सही है, मैं देख लेता हूँ। थोड़ा को लिख नहीं रहा यार मैं भी। अच्छा जी, ये है आपका सवाल। मॉड्यूल सी मॉड्यूल भी यही है, क्वेश्चन नंबर 3 सही है, आओ देखते हैं। एक गलती कर दी अली वाजिद, क्या गलती की है? नाम नहीं लिखा अली वाजिद, देखो जरा गौर से, फंक्शन के बाद नेम आता है। सही है, क्लियर है? हाँ सही है, ठीक है, मैं बाकी सबका भी देख लेता हूँ। अब्दुल्ला खान का आ गया मेरे पास, बेहतरीन जवाब आ गया। मॉड्यूल सी का भी देख लेता हूँ मैं, इसके अंदर जरा देखूँ मैं प्रोसीजर। सही है, सही है। अब्दुल्ला खान बिल्कुल सही है, दोनों सही है तुम्हारे, 6 मार्क्स तुम्हें मिल गए इसके, तीन इसके सही है पूरे। बाकी इसका है इमाद का आ गया मेरे पास, इमाद का देख लेते पहले। फंक्शन सही है जी। अच्छा एक गलती कर रहे हो इमाद, तुम्हें बता देता हूँ, कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं है लेकिन एक है जरूर। बेहतरीन बेहतरीन, एक गलती कर दी अभी फिर से। ठीक है, ब्रैकेट्स क्यों इतने ज़्यादा लगा रहे हो इमाद, इतने ब्रैकेट्स थोड़ी लगते हैं। मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, यहीं पे सॉल्व कर दूंगा, टेंशन मत लो, सब अपना यहीं पे क्लियर कर लेगा। चलो इसका देख लेते हैं, अंसारी साहब, फंक्शन सही है, बेहतरीन लिखा हुआ है और एक गलती कर दी। बहुत छोटी सी गलती की हो तुमने, चलो मैं बता देता हूँ क्या क्या गलती की है। मॉड्यूल सी में गलती कर दी, तो मैं जल्दी से करके दे रहा हूँ तुम लोग को यहाँ पे, और किसी का तो नहीं रह गया, सबने भेज दिया। चलो अब देखो जल्दी इसको, यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों के हेडर्स लिख रहा हूँ। देखो जी, राइट द सूडो कोड हेडर फॉर मॉड्यूल बी। मॉड्यूल बी का देखो, अगर हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये भाई आपका फंक्शन है, ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। जल्दी से अब लिखते हैं इसको, आपने लिखा फंक्शन, फंक्शन के बाद आपने इसका मॉड्यूल का नाम लिखना होता है, मॉड्यूल बी, फिर आएगा। अच्छा अब इमाद तुम क्या गलती कर रहे थे, यहाँ पे लगा के फिर ऐसे ब्रैकेट्स लगा रहे थे। बेसिकली जो ब्रैकेट्स होते हैं ना, इन्हीं के अंदर तुम्हें लिखना पड़ता है, एक ही ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे, एक ब्रैकेट लगाओगे उसके बाद यहाँ पे मेंशन कर दो कि भाई पार एक्स जो है वो एज अ पैरामीटर जा रहा है और उसकी जो डेटा टाइप है इंटीजर दी हुई है उन्होंने, यहाँ पे लिख दिया इंटीजर, और तो कोई पैरामीटर नहीं जा रहा, बंद कर दो इसको। बंद करने के बाद रिटर्न कौन सी वैल्यू हो रही है, रिटर्न आपका बूलियन वैल्यू हो रही है। कैसे आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने भाई, शेडेड था, शेडेड वापस जा रहा था, बूलियन हो गया। चलो ये आ गया तुम्हारे 3 मार्क्स इसके, आगे देखते हैं। राइट द सूडो कोड फॉर मॉड्यूल सी, ये तुम लोगों ने कुछ बच्चों ने नहीं किया, मैं इसको करके दिखा देता हूँ, और कुछ ने जिन्होंने किए वो गलत किए, थोड़ा सा गलत किया, ज़्यादा नहीं। अच्छा अब इसको देखो, तुम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मॉड्यूल सी जो है वो एक प्रोसीजर है, कैसे पता चला कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही। अच्छा अली बाजा मैं तुम्हारा चेक कर लेता हूँ, और बेहतरीन जवाब है, लेकिन सही है। अच्छा रियल जो तुमने अली बाजा तुमने जो लिखा है उसके कॉलन करके करा करो, पार डब्ल्यू कॉलन रियल, तुमने उस पर एक और एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिया, सही है। चलो अब मॉड्यूल सी का देखते हैं, प्रोसीजर मॉड्यूल सी, प्रोसीजर मॉड्यूल सी, ब्रैकेट लगाया, एक ब्रैकेट आएगा, देख लो उसको फिर से। और अब सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई पार डब्ल्यू जो है वो जा रहा है एज अ बाय रेफरेंस, तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पे बाय रेफ, बाय रेफ पार डब्ल्यू,
कॉलन रियल। अच्छा अब इसको तुमने क्या किया हुआ था, किसी एक बच्चे ने इसको रियल को ब्रैकेट में किया हुआ था, उसकी जरूरत नहीं थी। एक क्लियर हो गया। इसके बाद कॉमा डाला। अब पार जेड की वैल्यू देखो, पार जेड की वैल्यू में क्या हो रहा है, बाय वैल्यू जा रहा है। अच्छा अगर लिखना चाहो ना, अगर लिखना चाहो तो बाय वैल्यू लिख सकते हो, बाय वैल्यू पार जेड कॉलन स्ट्रिंग। अच्छा ये जो है था ना, इसके वो लिख देता है मार्क्स की, मैं मार्क्स की पढ़ देता हूँ। बाय वैल्यू नॉट इसेंशियल फॉर पार्ट जेड, मतलब क्या हुआ, इसको जरूरत नहीं है लेकिन अगर लिखना चाहो कोई ऐसा इशू नहीं है, आगे पीछे होने का कोई इशू नहीं है। हिमाचल आगे पीछे होने का इसमें इशू नहीं है फिलहाल, बाकी जब हम मेन फंक्शंस करेंगे उसमें जरूरत होगी तुम्हें। सबको आप एक एक करके जवाब देते रहो मुझे। अब्दुल्ला खान स्ट्रक्चर चार्ट देखो, अंसारी साहब बाय वैल्यू बेसिकली आपके पास दो ही मेथड्स हैं भेजने के, सही है, एक बाय रेफरेंस है और एक बाय वैल्यू है। हम लोग बाय वैल्यू बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसको लिखना जरूरी नहीं होता, कंप्यूटर आइडेंटिफाई कर लेता है, लेकिन बाय रेफ लिखना जरूरी होता है क्योंकि उसको स्पेशली आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो हम इसको ना भी लिखे ना तो कोई ऐसा मसला नहीं, उसने अलाउ किया हुआ है मार्क्स की में, लेकिन मैंने फिर भी एक पॉसिबिलिटी तुम्हें बता दी कि कंफ्यूज मत हो जाना अगर मार्क्स में देख लो। ये क्लियर है सबको? अच्छा अब अब्दुल्ला खान तुम जवाब दो मुझे, पूरा सब स्ट्रक्चर चार्ट में कोई चीज रह गई है आपकी जो अनक्लियर हो? अच्छा इमाद कोई मसला स्ट्रक्चर चार्ट में? अब अली वाजिद कोई इशू स्ट्रक्चर चार्ट में? अंसारी साहब अब क्लियर है पूरा चैप्टर स्ट्रक्चर चार्ट का? कोई चीज किसी ने पूछनी है अभी तो पूछ ले, इसके बाद बस एक सवाल दे दो मुझे, 2 मिनट दे दो बस। और एक सवाल आता है वो आपसे पूछता है फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट, आपको स्ट्रक्चर चार्ट क्या क्या बताता है वो आपने बताना है बस, और लिख लो बस, रट्टे मारने वाली चीज है, मैं दिखा देता हूँ तुम लोग को यहाँ पे ना, जल्दी से हेडिंग डाल दो एक, फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 1 मिनट में मैं लिख रहा हूँ, समझा भी नहीं रहा इसको। फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट सवाल आता है ये 2 से 3 मार्क का, क्या आपने स्ट्रक्चर चार्ट के फीचर्स बताइए, सही है, इसको लिख लो। पहला फीचर है आपका हायरार्की ऑफ मॉड्यूल्स, एक बस ओवरऑल समझा भी दूंगा इसको। हायरार्की कहते किससे हैं, रिलेशन को, कोई भी हायरार्की ट्रीज होते हैं, रिलेशन ट्रीज होते हैं, वो सब चीजें होती हैं, तो हायरार्की किसके कहते हैं हम लोग, रिलेशन को, मॉड्यूल्स के रिलेशन शो करता है, एक फीचर है स्ट्रक्चर चार्ट का हायरार्की ऑफ मॉड्यूल्स, मतलब क्या हुआ कि वो मॉड्यूल्स का रिलेशनशिप शो कर रहा है। आगे देखते हैं आइट्रेशन, आप इससे बता सकते हैं, आप सिलेक्शन बता सकते हैं उसकी, या स्पेलिंग सही कर लेना, और पैरामीटर्स दैट आर पास बिटवीन मॉड्यूल्स, द पैरामीटर्स, ये लिख लो, खत्म हो गया आपका। That are passed between modules. लिख लिया। फीचर्स में वैसे अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, कोई ऐसा मसला नहीं। पैरामीटर्स दैट आर पास बिटवीन मॉड्यूल, जाहिर सी बात है जब इधर से उधर वैल्यूज जा रही हैं, आपको सब फीचर एक पता चल पा रहा है कि भाई हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं स्ट्रक्चर चार्ट के, जैसे कि पैरामीटर्स जो कि पास हो रहे हैं। देखो तुम लोगों को पैरामीटर का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर नहीं था, लेकिन जब स्ट्रक्चर चार्ट देखा तो तुम लोगों को समझ आई कि कौन सी वैल्यू कहाँ जा रही है। तो बेसिकली ये फीचर के अंदर आ गया आपका, सिलेक्शन एक डायमंड से हम लोग बता सकते हैं, आइट्रेशन एरो से बता सकते हैं, हायरार्की ऑफ मॉड्यूल्स हमने समझ लिया कि रिलेशनशिप को कहते हैं। ये 2 से 3 मार्क का सवाल आएगा, इसमें से कोई भी 3 लिख देना, कोशिश किया करो, हायरार्की ऑफ मॉड्यूल्स लिखना जरूरी समझ लो, और आपका पैरामीटर्स दैट आर पास बिटवीन मॉड्यूल, फिर आइट्रेशन और सिलेक्शन में से कोई एक लिख लिया करो। आप लोगों का स्ट्रक्चर चार्ट पूरा खत्म। अभी मैं 13 सवाल है इसके, 13 के 13। अच्छा एक चीज और बता दूं कि इसका ना सवाल आता है, सवाल क्या आता है इसका, एक सवाल ये आता है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है, देखो ए और बी की वैल्यू से तुम्हें पता चल पा रहा है कि कौन सी चीज है। अगर मैं यहाँ लिख दूं अकाउंट इन्फो, बैंक की इन्फो के बारे में, एक ये मॉड्यूल है अकाउंट इन्फो के नाम से, सही है। अब मैं तुम लोगों से सवाल ये कर सकता हूँ, वो एक नॉर्मल पॉसिबिलिटी का सवाल पूछता है कि एक जो पैरामीटर ए है वो हो क्या सकता है, एक आपको बस वो पॉसिबिलिटी पूछता है कि क्या पॉसिबिलिटी है ए की।
अकाउंट इन्फो हमने नाम पढ़ा भाई, यूजर नेम हो सकता है, बिल्कुल सही जवाब। और क्या हो सकता है, बैंक की एक्सपायरी डेट हो सकती है, और आपके और क्या हो सकता है, कार्ड नंबर हो सकता है, CVV नंबर हो सकता है, नाम हो सकता है, एक्सपायरेशन डेट, वो सब चीज़ें ए हो सकती हैं। आइडेंटिफाई कर लोगे इजीली। अब मॉड्यूल को स्टडी करना है पहले तुम लोग, क्या मॉड्यूल के अंदर बेसिकली क्या जा सकता है। अगर यहाँ पे होता है कार्ट, कोई भी शॉपिंग कार्ट होती है ना, नंबर ऑफ ऑर्डर, अमाउंट ऑफ ऑर्डर, उसके नंबर ऑफ पीसेस, ये सब चीज़ें अकाउंट इन्फो के अंदर जा सकती हैं। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देगा वो, उसमें से कोई एक भी सही हो गया तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब सपोज करो कि ऐसी कौन सी वैल्यू जो कि रिटर्न हो सकती है सब बी में। ये क्या हो गया इसको, खैरियत सब सब सेट चल रहा है। चलो भाई ठीक है, इतना काफी है मेरे ख्याल से। अब तुम लोगों का दिमाग ना आसमानों में जा रहा है ऐसे। ले रहे सबको, क्लास खत्म कर दूं, कोई इश्यू तो नहीं है? चलो जी, आप लोगों का ये काम खत्म। कल फिर मैं एक काम करता हूँ, क्लास नहीं लेता तुम लोग की, बस कल मुझे ये 5 पेपर सॉल्व करके भेज देना। सही है, कल रेस्ट कर लो। बस फिर एक दिन है, इसके बाद मैं फिर जब स्टूडियो कोड स्टार्ट होगा फिर मैं नहीं रुक सकता उसमें। अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट किया नहीं तो फिर रुक जाओ, कोई ऐसा इशू नहीं। भैया कल मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को आज रात तक इंशाल्लाह ये क्लास भी अपलोड कर दूंगा, और 5 पेपर जो भी हैं उसके स्ट्रक्चर चार्ट के वो कर दूंगा, भेज दूंगा। तो आप लोग मुझे कल 12 बजे से पहले, फिर बोल रहा हूँ, कल रात के 12 बजे से पहले स्ट्रक्चर चार्ट के 5 पेपर सेंड कर दीजिएगा। सही है जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से कल। अल्लाह हाफिज।